बीते 3 जून को हुई हिंसा के बाद कानपुर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने आगामी त्योहारों को देखते हुए कानपुर में धारा 144 लागू रखने का फैसला लिया है। ये फैसला जुमे की नमाज से ठीक एक दिन पहले लिया गया है। इस दौरान शहर में सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है। JPC आनंद प्रकाश तिवारी ने इसका आदेश जारी किया है। बता दें कि गुरुवार को पुलिस ने कानपुर हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले युवक को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वेब मीडिया से जुड़े एक युवक को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप में गिरफ्तार किया। साथ ही कानपुर पश्चिम क्षेत्र के पुलिस आयुक्त BGT S मूर्ति ने बताया कि शहर के शास्त्री नगर इलाके के निवासी गौरव राजपूत को भी गिरफ्तार किया गया। वह कानपुर स्टार टाइम नाम से एक वेब पोर्टल संचालित करता है। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि गौरव ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर एक धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसकी जानकारी मिलते ही काकादेव पुलिस ने उसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट भी डिलीट करा दी है। मूर्ति ने लोगों से अपील की है कि वे शहर के माहौल में शांति बनाए रखने में योगदान दें। इंटरनेट मीडिया पर किसी भी तरह का आपत्तिजनक वीडियो या पोस्ट न डालें जिससे शहर की आबोहवा खराब हो। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़, लखनऊ।